तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। आज थोड़ा जल्दी वीडियो आ गया क्योंकि आपने कमेंट किया था, और आज भाई साहब वैसे हम एनिमे रिएक्ट करने वाले थे लेकिन अमन गेमिंग ने वीडियो भी डाल दिया और आपने बोला कि मैं लेट करता हूँ। भाई मैं बिल्कुल भी लेट वीडियो नहीं डालता, अब मैं वीडियो रेडी करके रखता हूँ और अपलोड भी होता है, उसके बाद अमन गेमिंग वीडियो डालते हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। वैसे आज इस समय वीडियो डालने का रीज़न मैं बता देता हूँ कि अभी मैं डाल रहा हूँ मूवी, पबजी मूवी, BGMI मूवी, और शाम को 6 बजे मैं डालूंगा एनिमे, ठीक है। तो ही वी गो, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलो भाई, जब तुम यहाँ नहीं थे तब तुम्हारी इस भतीजे ने मेरे ऊपर काफी कमाल का अटैक किया था। उससे मुझे पता चला कि इसके पापा की तरह इसके पास भी काफी खतरनाक पावर्स हैं। हाँ, कोई हैरानी वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि खून तो हमारे ही खानदान का है। हाँ, तो सही बात किया। ये सारी पावर्स इसको विरासत में ही मिली है, और कुछ पावर्स तो ऐसी भी है जो उस तलवार से मिली है इसको। हाँ, अच्छी बात है, पर अब तुम्हें इसे जल्द से जल्द रेडी करना पड़ेगा क्योंकि खतरा अब और बढ़ने वाला है। और बड़ा खतरा? मैं कुछ समझा नहीं चाचा। उनमें से किसी एक की हमने पेटी बना दिया है, और उनके बाकी के लोग जब वो देखेंगे तो वो और गुस्से में आ जाएंगे। बस वही टाइम होगा जब हम अपना प्लान इस्तेमाल करेंगे। आखिर प्लान क्या है तुम्हारा? वो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। इतनी खटारा गाड़ी हमने ली ही क्यों? मैंने तुमसे कहा था जोकर, कोई फर्स्ट क्लास लग्जरी कार मंगाते हैं। इस जगह पे यही कार सही रहती है फेरो। एक बात बताओ, हम आखिर इस गाड़ी में घूम ही क्यों रहे हैं? हम तो कहीं भी अपनी पावर से आ जा सकते हैं। इतने दिन से हम अपनी पावर से ही तो ढूंढ रहे हैं, उसे मिला क्या? नहीं ना, तो फिर मैंने सोचा गाड़ी में ढूंढना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कहीं हमें रोड पे चलता हुआ दिख गया तो फिर हमारी मजे। नाइस प्लान। एक सेकंड, कॉल आ रहा किसी का। हेलो, जिस बंदे को तुम इतने दिन से ढूंढ रहे हो वो वेकेंडी जा रहा अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। क्या आखिर तुम बोल कौन रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं? मुझे तुम लोगों के बारे में सब पता है, पर मैं आखिर बोल कौन रहा हूँ वो नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें सच में वो बंदा चाहिए तो जाके विकेंडी में गुफा के पास ढूंढो, वहीं पे वो मिल जाएगा तुम्हें। आखिर तू है कौन? हेलो हेलो, आवाज, फोन काट। आवाज किसकी थी ये भी समझ नहीं आ रहा। क्या जोकर, कौन था? अरे कोई अनजान बंदा था जिसने मुझे बताया कि ब्लड रेवन विकेंडी जा रहा है अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर चलते विकेंडी, अगर ये उन्हीं की कोई चाल हुई तो। अरे कोई दिक्कत नहीं है जोकर, मैं हूँ ना साथ में, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। ध्यान से सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग उस सिल्वेनस को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे ब्लड रेवन ने उसको कैद कर रखा है। आखिर उन लोगों को पता कैसे चला इसके बारे में? वो यहीं के जासूस लोग हैं, तो उन्होंने कहीं से पता लगा लिया होगा। तो ये बताओ, अब रोकने कौन जाएगा उन्हें? मैं जाऊँगा। क्या तुम? हाँ मैं जाऊँगा, थोड़ी बहुत मेरी भी ट्रेनिंग हो जाएगी उनसे फाइट करके। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो ठीक है, जाओ। भाई बंदे का कॉन्फिडेंट देख सकते हो, अलग ही लेवल का आ गया, जा रहा है खुद। पहले भाई रोता था जब भाई ट्रेनिंग के लिए आता था तो। हमेशा बंद रहती है, अभी खोलता हूँ इसे। चलो खुल गया, बढ़िया। यहाँ पर तो एंजल के थे ना, उस लोगों ने तो यहीं पे बताया था, पर यहाँ पे तो कहीं भी स्टोन नहीं है। वो अभी जगह पे बुढ़े लोग भी आ रहे हैं, क्या बात है? आखिर तुम हो कौन? मुझे पता है तुम यहाँ पे किस चीज के लिए आए हो, पर एक बात बता दूं तुम्हें, वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा हुआ ये बात तूने खुद से बता दी, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वो तेरे पास है। चल अब तेरी पेटी बना के मैं वो ले लूंगा। भाई साहब, ओ ये भी हल्का खिलाड़ी तो नहीं है। ओ मुझे लगा कोई बाबा बाबा होगा जिसको मैजिक वैजिक नहीं आता, तो चला गया। बाय बॉस, वहां पे कोई खड़ा सामने, कोई ये नहीं उड़ा। अरे ये इसका इतना एटीट्यूड हो गया। अरे 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 अरे, ये क्रेडिट जोकर, वो व्हाट द हेक, जोकर और उसका है क्या, क्या बोलते हैं, फेरो का भाई। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना मरेंगे दोनों यार, नहीं नहीं हो सकता। अब तो गया, ओह
ये कौन है भाई इतना पावरफुल? जो भाई इतना ओ प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं तो पहले ही कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, पर तुम ही नहीं मान रहे थे, तो अब दिमाग ठिकाने आ गया हो तो निकल लो यहाँ से। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, तूने क्या सोचा बुड्ढे, इतनी आसानी से हार मान लेगा ब्लड रेवन? ये क्या भाई छल कपट बेवकूफ बुड्ढा। अरे पता था कि वो स्टोन मुझे तेरी पेटी बनाकर ही मिलेगा। चलो अब अपनी पावर्स बढ़ाई जाए। ओ कोई तो आ गया। अरे ये क्या, अब ये अटैक किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत? तेरे पापा जी ने अटैक किया है। तो भाई वहां पर मर रहा कौन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसने मारा किसको? ये लोग भी पता नहीं कहां कहां भेज देता मुझे उस चोमू को ढूंढने के लिए। इस जगह पे भी कोई नहीं है, फिकर मत करो, इस जगह पे हम लोग हैं ना। अब तुम कौन हो? हम उस ब्लड रेवन के ही दोस्त हैं जिसको तुम ढूंढ रहे हो। अच्छा हुआ तुम लोग मिल ही गए, वरना मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया था तुम लोगों को। चलो अब चुपचाप बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ है? बॉस तो वीकेंड ही गए हैं अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए, और तुम्हारे वो दोनों दोस्त वो भी गए हैं वीकेंड उनको रोकने के लिए। फेरो और जोकर की बात कर रहे हो ना तुम? अगर वो दोनों वहाँ गए तब तो ठीक है, वो आराम से निपट लेंगे उससे। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? वैसे एक बात बता दूं, उन लोगों को हमने ही भेजा है फोन करके। साले तूने हंटर की पेटी बनाई, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। इतने दिनों से तेरे को ढूंढ रहे थे, पता नहीं किस कोने में जाके छुपा था, पर अच्छा हुआ आज मिल गया। अब आराम से बढ़िया करके तेरी पेटी बनाएंगे हम। वो अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें? साले हंसता क्या है, रुक इस नेट से सारी हंसी निकालता हूँ तेरी। मुझे मारने से पहले तुम ये सोच लो कि तुम्हारा अभी भी एक टीममेट मेरा मार में अकेला है। क्या आखिर तेरा मतलब क्या है? अरे हाँ इस टाइम पे तो रोलेक्स है मेरा मार में। आखिर मेरे जाल में फंसी गए ना तुम लोग। तुम लोगों को कॉल करके यहाँ पे मेरे ही आदमियों ने भेजा था ताकि वो वहाँ पे अकेला पड़ जाए और मेरे लोग उसकी जाके आराम से पीटी बना दे। अरे भाई लेकिन रोलेक्स तो पावरफुल है ना, ये मार देगा आई थिंक। भाई क्वालिटी क्वालिटी क्या हो गया, क्वालिटी क्या हो गया, ऐसा क्वालिटी हमको नहीं चाहिए भाई साहब। 4080 पे चल रहा था, 480 पे। चलो अब बढ़िया। तो अब फैसला तुम्हारा है, यहाँ पे रह के मुझसे फाइट करना चाहते हो कि वहाँ पे जाके अपने भाई को बचाना चाहते हो? सोच लो, टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। साले अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो जान से मार दूंगा कहीं से भी ढूंढ के। जोकर यहाँ से अभी निकलना चाहिए, रोलेक्स खतरे में होगा, हमें जल्दी जाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है जल्दी चलो। सही फैसला किया, चलो अब आराम से अपनी पावर्स बढ़ा सकता हूँ मैं। भाई ये तो और भी पावरफुल हो जाएगा यार। अरे भाई अब मैक्स हो जाएगा। ये वाला मुझे खतरनाक लगता नहीं है। मैं तुम लोगों में थोड़ी और जान लगाओ, इतने से नहीं हारने वाला मैं। और कौन आया? ओ उसका भाई होगा। किसने किया? उसका 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 बेटा होगा। ये एक ही में ढेर हो गया ये। चलो अब जिस काम के लिए आए थे वो पूरा करते हैं, मारो इसको। ये उन्हीं का टीममेट है जिन्होंने तुम्हारे बाप की पेटी बनाई थी। हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ इन लोगों को। तो फिर रुके क्यों हो, बनाओ जल्दी से पेटी। हाँ मैं बनाऊंगा इसकी पेटी, बस इसी दिन का तो मैंने वेट किया था। चलो अब मरने के लिए रेडी हो जा। अरे अब हुआ क्या, इतना सोच क्या रहे हो, मारो भी इसे अब। नहीं इसको नहीं मारूंगा मैं, क्योंकि इसका हाथ नहीं था उस टाइम मेरे बाप की पेटी बनाने में। उस टाइम जिन जिन का था सिर्फ उन्हीं को ही मारूंगा। आखिर अब ये क्या बकवास कर रहे हो, ये हमारे दुश्मन लोग हैं, तुम्हें सबकी पेटी बनानी पड़ेगी वरना ये हमारे लिए सरदर्द बन जाएंगे। तुम लोग फिक्र मत करो वो टाइम नहीं आएगा। इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, एक काम करते हैं हम दोनों ही बना देते हैं इसकी पेटी। लेकिन भाई एंट्री मिल गया तुम दोनों को सकून। ओ भाई ये भाई 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 एपिसोड 3 में हंटर का वो द्यंत हो गया और एपिसोड 4 में रोलेक्स का। अरे भाई हाँ बिल्कुल, अभी हमारा सरदर्द नहीं बनेगा आगे।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जल्दी भाई, भाई भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अरे भाई यार सोचा नहीं था, और मैंने थंबनेल बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में जाके देखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में भाई वो आता है थंबनेल अच्छी तरीके से नहीं दिखता, और एक चीज़ मैंने टाइटल में रोलेक्स तो देखा था लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा वो अभी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शौक हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, और आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट एपिसोड तक तो बच ही जाएगा, दो जिंदा हो जाएंगे फिर से, ऐसा लगता है मुझे। तो ही वी गो, आपको ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन चाहकर भी कभी कभी कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और भाई आपको वेट करना पड़ता है मेरे कारण, तो भाई आई एम सॉरी। आज की वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब कर देना, बाय। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।